गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय सीकर स्नातकोत्तर उत्तरार्ध हिंदी साहित्य के द्वितीय प्रश्न पत्र प्राचीन एवं निर्गुण काव्य की कक्षा में आज हम कबीर के पदों पर चर्चा कर रहे हैं। हमारे पाठ्यक्रम में सम्मिलित पाठ्यक्रम के अनुसार यह पद संख्या 21 है। तो सबसे पहले हम इस पद का वाचन करते हैं और तत्पश्चात इसकी व्याख्या को हम समझेंगे। तो आइए इस पद का वाचन करते हैं। अवधू बेगम देश हमारा, अवधू बेगम देश हमारा, राजा रंक फकीर बादशाह सबसे कहो पुकारा, जो तुम चाहो परम पद को बसी हूँ देश हमारा, जो तुम आए झीने झोंके तजो मन की भारा, धरन आकाश गगन कछु नाही, नहीं चंद्र नहीं तारा, सत धर्म की है महताबें साहेब के दरबारा, कहें कबीर सुनो हो प्यारे सत धर्म की, सत धर्म है हमारा। तो प्रस्तुत पद जो है हमारे पाठ्यक्रम में सम्मिलित कबीर और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा संपादित कबीर वाणी से लिया गया है। प्रस्तुत पद में कबीर अपने रहस्य भावना के अंतर्गत परब्रह्म को प्राप्त कर लेने पर जो परमानंद की अनुभूति होती है, साधक जब अपने साधना से उस परब्रह्म का साक्षात्कार कर लेता है और उस समय जो अनुभूति होती है, जिस तरह का साधक को महसूस होता है, उसे अपना जो परिवेश उस समय लगता है, उसी का यहाँ पर चित्रण किया गया है। तो कबीर कहते हैं, अवधू हे अवधूत बेगम देश है हमारा, हमारा जो देश है यानी हमारी जो स्थिति है। देखिए, सन्यासियों का अपना अलग स्वभाव होता है, उनका अपना अलग परिवेश होता है, और जो सांसारिकता में रमे हुए लोग हैं उनका अपना संसार है। तो यहाँ पर कबीर अपने संसार की बात करते हैं, अपने देश की बात करते हैं और कहते हैं, अवधू बेगम देश हमारा, हे अवधूत हमारा जो देश है वो बेगम है, बेगम बिना गम का, जहाँ पर कोई गम नहीं है, जहाँ पर कोई वेदना नहीं है, जहाँ पर कोई दुख नहीं है, कोई चिंता नहीं है, जहाँ पर सांसारिक चिंताएं नहीं हैं, हमारा जो देश है वो इस तरह का है। और फिर कहते हैं, राजा रंक फकीर बादशाह सबसों कहो पुकारा, और ये बात राजा रंक फकीर बादशाह सबसे कहो पुकारा, ये बात सबको कह दीजिए। कबीर कहते हैं कि मैंने ये बात सबको कही है, राजा रंक फकीर बादशाह सबसों कहो पुकारा, ये बात सबसे पुकार पुकार के कही है। या इसका इस प्रकार से भी हो सकता है कि ये सबसे पुकार पुकार के कहें, आप सबसे कहो ये बात कि हमारा जो देश है वो बेगम है, जहाँ पे कोई गम नहीं है, और अगर हम सांसारिकता में देखें तो कोई भी व्यक्ति चिंता से मुक्त नहीं है, चाहे वह राजा है, चाहे रंक है, चाहे फकीर है, चाहे बादशाह है, कोई भी है वह चिंता से मुक्त नहीं है। पर कबीर कहते हैं कि अगर आप हमारे देश में आते हैं तो हमारा देश किस प्रकार का है, बेगम है, जहाँ पर कोई गम नहीं है, जहाँ पर कोई चिंता नहीं है, जहाँ पर कोई दुख नहीं है। तो कबीर कहते हैं,
राजा रंक फकीर बादशाह सबसे कहो पुकारा, सबसे पुकार पुकार के कहें कि यहाँ पर किसी प्रकार का कोई गम नहीं है, कोई दुख नहीं है। जो तुम चाहो परम पद को, और फिर कहते हैं जो तुम चाहो परम पद को, अगर आप परम पद को प्राप्त करना चाहते हैं, बसी हो देश हमारा, तो आप हमारे देश में आकर बसें, हमारे देश में आकर निवास करें, क्योंकि इस देश में आपको परम पद की प्राप्ति हो सकती है। क्योंकि जहाँ व्यक्ति सांसारिकता से मुक्त हो जाएगा, जहाँ व्यक्ति इन सांसारिक कष्टों से मुक्त हो जाएगा, वहाँ उसके पास में भक्ति का ही मार्ग बसता है। फिर कबीर कहते हैं जो तुम आए झीने झोंके तजो मन की भारा, अगर आप झीने झोंके के समान आओगे, हवा की जिस प्रकार से हवा का जो झीना झोंका आता है उस प्रकार से अगर तुम आओगे, तो मानसारिक जो मानसिक आपकी जो व्याधियां हैं, तजो मन की भारा, मन का भार तज दीजिए। आपको यहाँ पर आना है तो सहज रूप से आना है। झीने झोंके का तात्पर्य है सहज रूप से। कबीर कहते हैं जो तुम आए झीने झोंके तजो मन की भारा, आपको यहाँ पर आना है तो झीने झोंके के समान आना है, बहुत हल्के से, बहुत आराम से, बहुत सहजता से आना है। तजो मन की भारा, और अपने मन के जो सारे भार हैं, जो मन की जो चिंताएं हैं, मन की जो व्याधियां हैं, जो आपकी मानसिक जो कल्पनाएं हैं, उन सब को तज करके यहाँ पर आना होगा। धरन आकाश और वह देश कैसा है, कबीर जिस देश की बात करते हैं वो किस प्रकार का है। धरन आकाश गगन कछु नाही, नहीं चंद्र नहीं तारा, वहां पे न तो धरती है न आकाश है और नहीं चंद्रमा है, नहीं तारे हैं, वहां पर ऐसा कुछ भी नहीं है। कबीर जिस देश की बात करते हैं, जिस देश में वे रहते हैं, उसके लिए कहते हैं धरन आकाश गगन कछु नाही, नहीं चंद्र नहीं तारा, वह देश ऐसा है जहां पर न तो धरती है न आकाश है न गगन है, नहीं चंद्र नहीं तारा और नहीं चंद्रमा है और नहीं तारा है, फिर वहां पर है क्या। सत्य धर्म की हैं महताबें, महताबें वहां पर तो सत्य और धर्म की जो मेहराबें हैं वो खड़ी हुई हैं। उनके देश में सत्य और धर्म की मीनारें हैं, साहेब के दरबारा, और वह किसका दरबार है, साहेब का दरबार है, अर्थात उस परम पिता परमेश्वर का दरबार है। उस दरबार में तो वहाँ पर पहुँच के उस दरबार में, उसके दरबार में, उस परम पिता परमेश्वर के दरबार में पहुँच कर जब हम देखते हैं तो वहाँ पर तो सत्य और धर्म की जो महताबें हैं, जो मीनारें हैं ऊँची ऊँची, वो खड़ी हुई हैं। कहें कबीर सुनो हो प्यारे सत्य धर्म है सारा, कबीर कहते हैं हे प्यारे साधक, हे प्यारे अवधूत, आप सुनो वहाँ पर सत्य और धर्म का प्रसार है, यानी चारों ओर वहाँ पर सत्य और धर्म ही है, इसके अलावा वहाँ पर कुछ भी नहीं है। कबीर प्रस्तुत पद में एक ऐसे लोक की बात करते हैं जहाँ पर गम नहीं है, जहाँ पर धरती आकाश नहीं है, जहाँ चंद्रमा नहीं है, नहीं तारे हैं, और वहाँ पर क्या है, सत्य और धर्म की मेहराबें हैं, मीनारें हैं, उस साहिब उस परम पिता परमेश्वर के दरबार में। कहें कबीर सुनो हो प्यारे सत्य धर्म है सारा, कबीर कहते हैं प्रिय साधक तुम सुनो, हे प्रिय अवधूत आप सुनो, वहाँ पर तो सत्य और धर्म का ही प्रसार है, चारों ओर उसी सत्य और धर्म की सत्ता है, चारों ओर वही सत्य और धर्म हमें दिखाई देता है। अवधु बेगम देश हमारा, राजा रंक फकीर बादशाह सब स्वयं कहो पुकारा, जो तुम चाहो परम पद को बसी हूँ देश हमारा, जो तुम आए झीने झोंके तजो मन की भारा, धरन आकाश गगन कछु नाही, नहीं चंद्र नहीं तारा,
सत्य धर्म की हैं महताबें साहेब की दरबारा, कहें कबीर सुनो हो प्यारे सत्य धर्म है सारा। इस व्याख्या को आपने सुना, और विशेष के रूप में अगर हम देखें तो यहाँ पर कबीर समाधि की उस अवस्था की बात करते हैं जहाँ मनुष्य की या साधक की उद्धर्व चेतना होने पर उसे अपने हृदय रूपी आकाश में परम आनंद की अनुभूति होती है, अर्थात उसे परब्रह्म का साक्षात्कार होता है और वह भक्ति साधना में पूरी तरह से निमग्न हो जाता है। उस स्थिति का चित्रण यहाँ पर कबीर करते हैं। परम पद से तात्पर्य उस अलौकिक सत्ता से साक्षात्कार कर लेने से है। यहाँ पर कोई लौकिक पद की या किसी सत्ता की बात नहीं हो रही है। कबीर के परम पद का तात्पर्य अलौकिक और दिव्य चेत तेज से मिलता है। कबीर कहना चाहते हैं कि परम पद जो है वह अलौकिक सत्ता से साक्षात्कार कर लेना है, और अगर हम रस की बात करें तो प्रस्तुत पद में रूपक, समासोक्ति, प्रयायोक्ति आदि अलंकारों का प्रयोग हुआ है। कबीर का यह गेय पद है और बहुत ही सरस पद है। आपने मुझे सुना, इसके लिए धन्यवाद। थैंक यू।